हमारे देश ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। बड़े और मध्यम उद्योगों के साथ ही लघु और पारंपरिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ है। परंपरागत भारतीय गांव संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर रहे हैं। खेती बाड़ी एवं ग्रामीण उद्योगों ने श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। दस्तकार और कारीगर शुरू से ही ग्रामीण उद्योगों का एक अभिन्न अंग रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए मशीनीकरण ने इंसान की जगह ले ली, जिससे लघु उद्योगों को गहरा धक्का लगा। परिणाम स्वरूप गांवों में बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई। हालात से मजबूर गांव के लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों में जाकर बसने लगे। इससे शहरों में सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगीं और साथ ही झुग्गी झोंपड़ियां भी शहरी जीवन का एक हिस्सा बन गईं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक हो गया है। ग्रामीण उद्योगीकरण द्वारा भारत में उद्योगों के विकास और विस्तार में बहुत मदद मिली है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला शायद मनुष्य द्वारा सबसे पहले अपनाई गई और ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती गई। लाखों कारीगर अपनी जीविका के लिए इसी कला पर निर्भर करते हैं। यद्यपि कला हमेशा विकसित होती रहती है, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिल्पकारों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है।
गन्ने के रस से खांडसारी तथा गुड़ बनाना एक प्राचीन कुटीर उद्योग है जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। खांडसारी और गुड़ बनाने के लिए गन्ने के रस को खुले बर्तनों में उबाला जाता है। अनुमान है कि इस उद्योग ने लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। रस निकालने के बाद व्यर्थ गन्ने को खुले मैदानों में सुखाया जाता है तथा इसका प्रयोग बाद में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कृषि उद्योग के बाद हथकरघा उद्योग का उत्पादन बढ़ाने और रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में हथकरघा उद्योगों ने बहुत उन्नति की है। खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योग ही ग्रामीण उद्योग का आधार हैं। आधुनिक लघु उद्योग तथा अविकसित कुटीर उद्योग को ग्राम एवं लघु उद्योग कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र में ये दोनों पारंपरिक उद्योग लगभग 50% तथा कुल निर्यात में 1/3 योगदान प्रदान करते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में अब विभिन्न प्रकार की आधुनिक वस्तुओं का निर्माण हो रहा है जिनकी मांग देश विदेश में निरंतर बढ़ती जा रही है। इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने मशीनों तथा विभिन्न यंत्रों पर खर्च की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दी है। मिक्सी के छोटे कलपुर्जों से लेकर भारी भरकम गियर्स का निर्माण करके इन उद्योगों ने उत्पादन के क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। भारत में बहुत से कुटीर उद्योग हैं जैसे
खादी। हथकरघा, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, चमड़ा उद्योग, साबुन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, गुड़ एवं खांडसारी, फल तथा सब्जी संसाधन, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, बायोगैस का निर्माण, भेड़ पालन, बांस एवं केन कार्य, डेयरी उद्योग, घानी तेल इत्यादि। ग्रामीण तथा लघु उद्योग से सन 1979-80 में उत्पादन 33,538 करोड़ से बढ़कर सन 1984-85 में 65,730 करोड़ हो गया है। वर्तमान मूल्यों में 1979-80 का निर्यात 2280.62 करोड़ रुपए से बढ़कर 1984-85 में 4557.56 करोड़ रुपए का हो गया है। इसी अवधि में रोजगार 233.72 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 315 लाख व्यक्ति हो गया। हस्तशिल्प के क्षेत्र ने निर्यात में काफी बढ़ोतरी दिखाई है। इन उद्योगों की सुंदरता एवं कलात्मकता को ध्यान में रखते हुए इनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इन शिल्प कलाओं से शिल्पकारों की आमदनी में भी वृद्धि हुई है। कलात्मक वस्तुओं ने विदेशियों को विशेष रूप से आकर्षित किया है तथा बाजार में इन वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। इनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक एम्पोरियम खोले गए हैं।
हस्तशिल्प का उत्पादन सन 1979-80 में 2,150 करोड़ रुपए से बढ़कर सन 1984-85 में 3,500 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि में निर्यात भी 854 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,700 करोड़ रुपए का हो गया है। योजना अवधि में हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोजगार भी विशेष रूप से 20.3 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 27.4 लाख व्यक्तियों को उपलब्ध हुआ। इस प्रकार ग्रामीण उद्योगीकरण ने काफी हद तक गरीबी दूर की है तथा शहरी और ग्रामीण आय की असमानता को भी धीरे धीरे कम किया है। लघु उद्योगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का उपयुक्त उपयोग करने में भी सहायता की है। इससे पारंपरिक उद्योगों के विकास में भी काफी बढ़ोतरी आई है। पारंपरिक समूह के उद्योगों के विकास में कई कारणों से बाधा भी आई है, जैसे शिल्प वैज्ञानिक अप्रचलन, अविकसित बिक्री प्रणाली, असंगठित संचालन, ऋणों की अपर्याप्त उपलब्धता, प्रबंधकीय तथा तकनीकी निपुणता की कमी इत्यादि। इस संबंध में विभिन्न उपाय करने के बावजूद उत्पादन के स्तर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इन सब कठिनाइयों के कारण देशी तथा विदेशी बाजार में बड़े उद्योगों की तुलना में इस क्षेत्र को हानि हुई है। सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई एजेंसियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हैं। ये इकाइयां हैं खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन, जिला उद्योग केंद्र, राजकीय आर्थिक निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ग्रामीण जिला विकास समिति, लघु उद्योग सेवा संस्थान और ग्रामीण उद्योग योजना समिति। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1979 में सामुदायिक विकास केंद्र की योजना प्रारंभ की थी। इस योजना द्वारा निर्धन ग्रामीणों को उपयुक्त क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनकी क्षमता में सुधार लाया जा सके, उनको रोजगार मिलने में आसानी हो और वे
अपना लघु व्यवसाय भी शुरू कर सकें। यह योजना पारंपरिक उद्योगों की तकनीक में भी सुधार तथा आधुनिकता ला रही है, जिससे उत्पादन में भी बहुत उन्नति हो रही है। लघु उद्योग सेवा संस्थाएं भी कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रही हैं, जैसे कि कांच की वस्तुओं का निर्माण, लेथ तथा थर्मामीटर का निर्माण आदि। विभिन्न राज्यों के युवकों को कई क्षेत्रों में विस्तार केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे गैस वेल्डिंग, डीजल इंजनों की मुरम्मत, टो ट्रैक्टर की मुरम्मत इत्यादि। एक्सीलेटर देने के बाद में मेन शिफ्टिंग गियर लीवर से गियर चेंज करना। सामूहिक प्रशिक्षण केंद्र भी अल्पकालीन कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जैसे कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। इसको हम साबुन बनाना आदि और पानी के मिश्रण से बनाते हैं, और उसके बाद जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो इसको बकायदा हम पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं कि ये ज्यादा अल्कली या ज्यादा कास्टिक या ज्यादा एसिड तो नहीं रख रहा है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में डिजाइन संस्थान भी विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण देते हैं, जैसे कि कट ग्लास, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। यद्यपि ग्रामीण एवं लघु उद्योगों ने उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, परंतु अभी भी कुछ कमियों को दूर करना बाकी है। ये कमियां हैं दस्तकारों तथा शिल्पियों के सामान्य स्तर में सुधार लाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, लघु उद्योग के उत्पादन की बिक्री को बढ़ावा देना, कच्ची सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति और इसका उपयुक्त उपयोग करना, इसके साथ ही आज आवश्यकता है उपयुक्त तकनीकी ज्ञान के स्थानांतरण की, जिससे स्थानीय साधनों का उपयोग हो सके तथा हमारा देश आर्थिक रूप से और भी उन्नत और भी मजबूत हो सके।